What's fresh everyone, welcome back to the channel, it's your boy Sultan and you are watching No Hip Hop. आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे जब से मैंने No Hip Hop सीरीज स्टार्ट की है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारे पास बीट है, हम रैप लिख लेते हैं बट जब भी उस रैप को उस बीट के ऊपर परफॉर्म या डब करने की बात आती है तो वो हमसे नहीं हो पाता है ठीक से. हम रैप के फ्लो को नहीं समझ पाते हैं, हम बीट को नहीं पकड़ पाते हैं और हमेशा जो हमारा रैप होता है वो ऑफ बीट साउंड करता है. तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ टिप्स जिसके बाद आप हमेशा जब भी रैप करेंगे किसी भी बीट पे तो हमेशा फ्लो में होगा, कभी भी ऑफ बीट साउंड नहीं करेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वन. सो गाइस, आपके पास आपके रैप लिरिक्स है, आपके पास आपकी बीट है और प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप रैप करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों चीज़ें ठीक से फ्लो में नहीं आती है, परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं होती है. तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे बीट्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे रैप के बारे में. अब बीट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको समझना है BPM क्या है आपकी बीट का. BPM क्या होता है, BPM होता है बेसिकली बीट्स पर मिनट. जिस तरह से आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका हार्ट बीट करता है और ब्लड को पंप करता है, उसको काउंट करने के लिए पल्सेस होती हैं, उसी तरह से किसी भी बीट की स्पीड, उसका टेम्पो, उसको समझने के लिए जो कैलकुलेशन यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है बीट्स पर मिनट. इसका मतलब होता है कि एक मिनट में वो बीट कितनी बार रिपीटेडली आई है. बीट को समझने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको समझना है उसमें किक्स और स्नेयर का पैटर्न. हर बीट में किक होती है, स्नेयर होती है जिससे बीट कंप्लीट होती है, तो आपको वो पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी बीट का BPM 30 सेकंड से कम टाइम के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर कहीं पे यहाँ पे कार्ड आपको दिखाई देगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर. अभी हम बात करते हैं कि आप किस तरह से स्नेयर और किक के पैटर्न को समझेंगे. तो आप कोई भी अगर बीट उठाते हैं तो उसमें एक रिदमेटिक पैटर्न चलता है जिसे किक्स और स्नेयर से जिसे कंप्लीट किया जाता है. ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है, धुप धुप धुप. तो ये पैटर्न आपको हर तरह की बीट्स में साउंड करेगा, ये आपको हिप हॉप बीट्स में मिलेगा, आपको R&B बीट्स में मिलेगा, आपको सोल बीट्स में मिलेगा, आपको हर तरह की बीट्स में यही पैटर्न मिलेगा. तो आपको इस पैटर्न को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका रैप का वर्स है वो हमेशा स्नेयर पे ख़त्म हो. जो भी आपकी रैप की लाइंस है, जो भी आपके रैप के बार है, आपको हमेशा स्नेयर के ऊपर फोकस रखना है और आपने बाकी सब कुछ इग्नोर करना है. आपने सिर्फ और सिर्फ स्नेयर्स के ऊपर फोकस रखना है और स्नेयर टू स्नेयर आपने बीट पर रैप करना है तो आपका रैप परफेक्टली फ्लो में साउंड करेगा. मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ. मेरे पास एक बीट है, मैं उस बीट को प्ले कर रहा हूँ और आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ इसमें कि स्नेयर क्या है और किक क्या है. लेट्स स्टार्ट इट. पहले किक आएगी, फिर स्नेयर आएगा, किक स्नेयर, किक स्नेयर. तो बीट जब जब चलेगी आपको ये चीज़ समझनी है. Kick, snare, kick, snare, kick, snare. तो जो चिक, 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 ये वाली साउंड आ रही है ये बेसिकली आपका स्नेयर है, आपको स्नेयर पकड़ के चलना है और उसका ध्यान रखना है. अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें किक को समझ लिया है, आपने इसमें स्नेयर को समझ लिया, अब आपको क्या करना है, आपने बीट को प्ले करना है. आपके पास रैप वर्सेज राइट, आपके पास रैप वर्सेज ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपने बस बीट को फील करना है, आपने इसके ऊपर फ्री स्टाइल कॉम्पोजिशन बनानी है, अपना फ्लो बनाना है जो वोकल फ्लो होता है. मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ किसी भी रैप के दो फ्लो होते हैं, एक फ्लो वो होता है, एक कॉम्पोजिशन वो होती है जो उसकी बीट की कॉम्पोजिशन होती है, दूसरी वो होती है जो आप वोकली प्रोड्यूस करते हो उस रैप को फ्लो बनाने के लिए. तो आपको सबसे पहले फ्री स्टाइल करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ. अब आपने देखा जितनी बार भी स्नेयर आया मेरा ना जो था ना 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 जो लास्ट वाला ना पार्ट था वो हमेशा किसी ना किसी स्नेयर पे ही सेट हो रहा था, किसी ना किसी स्नेयर को ही हिट कर रहा था. ये चीज आपको भी करनी है. चलिए कोशिश करते हैं, मैं कुछ फ्री स्टाइल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसी बीट के साथ कंपोज जब हम करते हैं, जो हम अपने माइंड में कंपोज करते हैं उसको कैसे लिरिक्स के साथ भी कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको एक बार ही प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ. जो अभी हमने एक फ्लो डिज़ाइन किया अपने माइंड में, ना 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 ना,
उसको रैप के साथ हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास ऑलरेडी रैप लिखा होगा, बट मेरे पास कोई रैप लिखा नहीं है, तो मैं फ्री स्टाइल करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी इट। नया है वीडियो आया, हिप हॉप का वीडियो आया, स्नेयर किक्स की बात बताएं, हिप हॉप का वीडियो आया, आया आया आया, हिप हॉप का वीडियो आया भाई, नो हिप हॉप का वीडियो आया। तो आपने देखा, बेसिकली यहाँ पर आपको मेरे लिरिक्स पे नहीं जाना, आपको बस ये देखना है कि किस तरह से हमने किक्स को समझा, स्नेयर्स को समझा, स्नेयर के ऊपर फोकस किया, और जहाँ पर स्नेयर खत्म होता है वहीं पे हमने अपनी रैप की लाइंस को ख़त्म किया, रैप के बार्स को ख़त्म किया। तो फोकस आपको हमेशा स्नेयर पे करना है, आपको अपना स्नेयर फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर ही आपको अपना रैप लिखना है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको किसी भी बीट के ऊपर परफेक्टली रैप करने के लिए आपको उस बीट को समझना है और आपको अपने लिरिक्स के स्ट्रक्चर को समझना है। बीट्स को कैसे समझना है, उसका बीपीएम क्या होता है, उसके ऊपर फ्री स्टाइल फ्री फ्लो आप कैसे कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन और अपना फ्लो कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करते हैं लिरिक्स के बारे में कि आपको लिरिक्स लिखते टाइम स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या करने हैं, आपको कैसे उनको डिज़ाइन करना है, कैसे उनके ऊपर ध्यान देना है। तो मेरे पास अपने ही एक गाने के लिरिक्स है, मैं उसका एक ब्रेकडाउन आपको मैं देता हूँ, आई थिंक वो आपको समझने में इजी होगा। सो गाइस, आपके सामने है मेरे ही एक सॉन्ग के रैप लिरिक्स। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हमेशा अपने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन और आने वाली जो लाइंस हैं उसमें हमेशा सिंक में होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। मिडिल क्लास फैमिली, खिलौनों की दुकानें छोटी, ना स्टोर कोई हैमली, कंचे लट्टू और साइकिल की टूटी चैन भी, बड़े भाई की टी शर्ट जो छोटी हुई पहन ली, मैंने चेस किया ड्रीम को, रोज नई स्कीम को, 9 to 5 जॉब से भी स्पार्क किया सीन को। तो ये रैप था। अब आप देखिए इसमें हमारी फर्स्ट लाइन में 3 words है, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली 3 words है, तो सामने मैंने 3 words लिखा हुआ है। अगली लाइन में उसके ही आसपास 4 words थे, खिलौनों की दुकानें छोटी। अगली लाइन में फिर से 4 words, न स्टोर कोई हैमली। बट अब हमने अपने रैप के फ्लो को चेंज कर लिया ताकि बोर ना साउंड करे, वो एक ही फ्लो में साउंड ना करे, मोनोटोनस ना साउंड करे। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, थोड़ी एनर्जी डालने के लिए हमने उसकी राइमिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लिया है, हमने बीट के हिसाब से अपने फ्लो को चेंज कर लिया। अब है कंचे लट्टू और साइकिल की टूटी चैन भी, जिसमें है कि है 8 words, और अगली लाइन बड़े भाई की टी शर्ट जो छोटी हुई पहन ली, इसमें है 9 words। अगली लाइन फिर से मैंने चेस किया ड्रीम को, रोज नई स्कीम को, अगेन 9 words है इसमें, 9 to 5 जॉब से भी स्पार्क किया सीन को, तो इसमें है 10 words। अब आपको ध्यान ये रखना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जहाँ पर स्नेयर ख़त्म होगा वहाँ पर आपको अपनी लाइनें ख़त्म करनी है। फर्स्ट बार जब स्नेयर ख़त्म होता है आपको वहाँ पे फैमिली ख़त्म करनी है, सेकंड स्नेयर पे छोटी ख़त्म करनी है, थर्ड स्नेयर पे आपको हैमली वाली बात ख़त्म करनी है। तो आपको हमेशा स्नेयर को पकड़ना है और आपको हमेशा स्ट्रक्चर ऐसा ही रखना है, क्लोज क्लोज 3 4 4 8 9 9 10। आपको ये नहीं करना है कि पहली लाइन आपने ले ली मिडिल क्लास फैमिली और उसके बाद अगली लाइन में आप बोल रहे हो कंचे लट्टू और साइकिल की टूटी चैन भी, ये आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आप इसे परफेक्टली रैप फ्लो में कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप पहली लाइन में अगर आपने कम वर्ड्स रखे और दूसरी लाइन में उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ये भी हो सकता है कि आप स्नेयर को पकड़ने के चक्कर में बातें जल्दी जल्दी बता दें, कुछ वर्ड्स आपसे मिसस्पेल्ड हो जाए, कुछ आपसे छूट जाए, कुछ मंबल हो जाए, कुछ फंबल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ वर्ड्स जो है वो आपके लिटरली आप वो भूल जाए या फिर आप उसे परफॉर्म ना कर पाए स्नेयर को जल्दी हिट करने के चक्कर में। तो आपको हमेशा इस तरह की सिंपल सी राइमिंग स्ट्रक्चर करनी है, आपको वर्ड्स काउंट करने हैं ताकि आप हमेशा मीटर पे रहें, जितना आप मीटर पे रहेंगे उतना ही आप बीट पे बेटर फ्लो कर पाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप ऐसी बीट सुनते हैं जो हिप हॉप बीट्स होती है या R&B बीट्स होती है, तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपने रैप की बीट को सुनते हैं तो उसमें थोड़े टाइम के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मे बी उसका फ्लो चेंज हो जाता है, या मे बी उसमें एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड हो जाता है, मे बी उसमें जो ड्रम्स का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, या स्नेयर्स का पैटर्न चेंज हो जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट आने से बीट का ओवरऑल जो वाइब क्रिएट हो रही है वो चेंज हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको भी अपने रैप के फ्लो में उस चेंज जो बीट में चेंज आए हैं उसके साथ आपको भी अपने रैप के फ्लो में चेंजेस लेकर आने हैं इससे आपका रैप फ्रेश साउंड करेगा, मोनोटोनस और बोरिंग साउंड नहीं करेगा, और सुनने वाले को भी कहीं ना कहीं मजा आएगा क्योंकि आपने बहुत ही स्किलफुली अपने फ्लो को चेंज कर दिया है। यही सब चीज़ें सारे बड़े मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट भी करते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी करते हैं, और लोकल अपने इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट भी करते हैं।
आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट का कोई भी गाना उठाकर देख लीजिए, आप उसमें देखेंगे, अगर आप उसे केयरफुली स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने रैप फ्लो को बीच बीच में स्विच करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, इससे वो गाने बोरिंग नहीं साउंड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब आपकी बीट पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने हर वर्ड्स को मीटर में रखना है, बट अगर आप कभी कभी मीटर में नहीं रख पाते हैं तो क्या आप कर सकते हैं, आप उसे केयरफुली डिज़ाइन कर सकते हैं स्ट्रेस देने के लिए, पॉज देने के लिए, या फिर किसी भी वर्ड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस या उस पर ज़्यादा फोकस देने के लिए। तो इससे ये होता है, नंबर वन, आप मीटर में वापस आ जाते हैं क्योंकि आपने पॉज ले लिया है, या फिर आपने किसी वर्ड को जल्दी ख़त्म कर दिया है, या फिर किसी वर्ड को स्ट्रेसफुली ख़त्म कर दिया है, स्ट्रेस देके ख़त्म कर दिया। नंबर वन इससे होता है ये कि आप वापस मीटर में आ जाते हैं, आप फ्लो में आ जाते हैं, और नंबर टू, जो सुनने वाली ऑडियंस है उसको लगता है कि ये जानबूझ के आपने इंटेंशनली इसलिए किया है ताकि उस स्पेशल वर्ड के ऊपर फोकस आए, उस स्पेशल वर्ड जो आप बात कह रहे हो उसके ऊपर एम्फेसिस आए। तो गाइस, मैंने आपको 5-6 टिप्स दे दी हैं कि किस तरह से आप एक रैप बीट को समझ सकते हैं, उसका BPM समझ सकते हैं, किस तरह से आप अपने रैप वर्सेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहाँ पे आपको स्ट्रेसेस देने हैं, कहाँ पे आपको पॉजेस देने हैं, किस तरह से आपको उनको मीटर में लेकर आना है। आई एम श्योर अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली करते हैं, थोड़ा स्टडी करके करते हैं, थोड़ा समझ के करते हैं, तो आप जब भी अपना अगला गाना रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमेशा फ्लो में ही होगा, आप बीट को इजीली समझ पाएंगे, उसे पकड़ पाएंगे, और आप ऑफ बीट नहीं साउंड करेंगे। आई होप आपको आज का ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी, किसी भी टिप से कुछ भी सीखने को मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वो पर्सनल फेवरेट टिप कौन सी थी जो आप यूज़ में लाना चाहते हैं, या फिर इनकेस अगर आपकी खुद की कोई पर्सनल ऐसी टिप है जो आप दूसरे आर्टिस्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरे रैपर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ do write that in the comments section. And that's all for today's episode. I will be seeing you in the next week, next episode. This is your boy Sultan signing off.